तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एक एक्सपैंडिंग वर्ल्ड में, जो कि हर एक दिन एक्सपैंड होगा एंड उसी के साथ साथ नए रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर्स भी आते जाएंगे। एंड इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल है अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाना जहाँ पे हम लोग आराम से रह सके। अपना दूसरा गोल है विलेजेस के लिए एक बहुत ओपी सा विलेज बनाना एंड फाइनली एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर लेना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एक्सपैंडिंग वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे वन पे हम लोग स्पॉन हुए थे बस इस एक ब्लॉक के ऊपर और भाई मैं गिरते गिरते बचा और मैंने इस ब्लॉक को चेक किया और ये ब्लॉक बेड रॉक तक जा रहा था, तो जल्दी से हमने इसको माइन कर लिया। इनफ फूड माइन करने के बाद हमने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई, एक वुडन का पिकैक्स बनाया और चले गए स्टोन माइन करने के लिए। एंड बीच में हमने थोड़े बहुत कॉबलस्टोन के भी टूल्स बना लिए क्योंकि अपने पास बहुत सारे कॉबलस्टोन्स थे। एंड अगेन हमने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया और भाई ये ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा लंबा था और हमने बहुत देर तक माइनिंग की तब जाके हम लोग बेडरॉक तक पहुँचे। और अब अपने पास करने के लिए कुछ था नहीं तो हमने पूरे दिन कुछ नहीं किया। फाइनली सुबह को अपना वर्ल्ड एक्सपैंड हो चुका था और हमने जल्दी से यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया और माइनिंग करके हम लोग जा रहे थे ऊपर। एंड ऊपर में हम लोग को थोड़े बहुत आयरन भी मिल गए तो जल्दी से उसको हमने कलेक्ट कर लिया। और यार ऊपर आते आते एक बार और रात हो गई थी और अपने पास फिर से कुछ नहीं था करने के लिए तो हमने फिर से कुछ नहीं किया। देन सुबह हो चुकी थी और दोबारा से अपना वर्ल्ड यहाँ पे एक्सपैंड हो चुका था और यहाँ पे थी थोड़े बहुत लीव्स तो जल्दी से हमने इसको माइन कर दिया। और मुझे तो यहाँ पे कोई सैपलिंग नहीं मिला बट यहाँ पे भाई को एक सैपलिंग मिल गया। और भाई यहाँ पे चार लीफ से एक सैपलिंग मिलना ना मजाक नहीं है, मतलब किस्मत वालों को मिलती है। तो जल्दी से हमने उस सैपलिंग को प्लेस कर दिया क्योंकि यार ये एक लौता सोर्स है हम लोग का वुड का। और तब तक हमने थोड़े बहुत अपने एरिया को प्लेन कर दिया। फिर हम सोच रहे थे कि भाई आगे हमें क्या करना चाहिए, तो भाई ने आइडिया दिया कि हमें माइनिंग करना चाहिए। तो बस हम लोग चले गए यहाँ पे माइनिंग करने के लिए और अपना माइनिंग ट्रिप में हमें बहुत सारा आयरन मिल गया तो जल्दी से हमने उसको कलेक्ट कर लिया। तो माइनिंग से वापस आने के बाद हमने देखा कि अपना वर्ल्ड तो एक्सपैंड हो चुका है पर अपना सैपलिंग ही बड़ा नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते अभी क्योंकि भाई अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आयरन है, बहुत सारे ब्लॉक्स भी है बट अपने पास एक भी वुड नहीं है तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। और ऊपर से अपने पास कोल भी नहीं है कि हम लोग आयरन को पहले स्मेल्ट कर दें। पर फिर भी हमने एक फर्नेस बना दिया और उसमें हम लोग आयरन स्मेल्ट होने दे दिए बट अपने पास कुछ था नहीं एक प्लैंक के सिवा, तो उसको ही हमने एज अ फ्यूल यूज कर लिया। देख रहे हो कितनी गरीबी चल रही है अपनी, इस बात पे एक लाइक कर दो और उधर जा ही रहे हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सो यहाँ पे अपने पास एक आयरन तो आ चुका था बट इसको यूज नहीं कर सकते तो अपने पास वेट करने के अलावा और कुछ रास्ता भी नहीं है। तो फिर पूरा दिन हमने यहाँ पे वेट किया एंड अगेन नेक्स्ट डे में हम लोग का एक्सपैंड हो चुका था वर्ल्ड। और इसके साथ इस बार आया था एक ट्री और भाई बस ट्री नहीं आया था, अपने पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा लावा पूल भी आ गया था और आगे हम लोग को ऑब्सीडियन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा इसका मतलब। तो पहले हमने इस लावा पूल को कवर किया जैसे कि लावा नीचे ना गिरे क्योंकि हम लोग माइनिंग करने जाते हैं और कभी भी अपने ऊपर लावा गिर सकता है। और फिर हम लोग चले गए इस वुड को माइन करने के लिए। एंड फाइनली भाई इतने दिन के बाद हम लोग को वुड छूने का मौका मिल रहा है और अब हम लोग प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमने जितने हो सके उतने सैपलिंग कलेक्ट कर लिए और उसको प्लांट कर दिया एंड उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड पिकैक्स बनाने के लिए। एंड फिर हम चले गए माइनिंग करने के लिए क्योंकि अपना वर्ल्ड यहाँ पे एक्सपैंड हुआ था और उसके साथ ही साथ काफी सारे नए केव्स एंड ओर्स आ चुके थे। और भाई इनमें से एक केव तो लिटरली अपने 5 ब्लॉक नीचे था और उसमें काफी सारे आयरन थे, तो जल्दी से हमने काफी सारे आयरन एंड उसके साथ बहुत सारे और ओर्स भी कलेक्ट कर लिए। ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टॉर्चेस बनाए और पूरा एरिया को लाइट अप कर दिया क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे एंड देन पूरा आयरन को स्मेल्ट होने दे दिया। और फिर हमने अपने इकलौता सीट को प्लेस कर दिया और हम यहाँ पे आराम कर ही रहे होते कि और एक क्रीपर स्पॉन हो जाता है तो हम जाते उसको मारने के लिए और भाई वो फूट जाता है और अपना पूरा जगह बर्बाद हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि भाई हमें डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि यार अगर हम मर जाते ना तो ये पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता। तो फिर हम अपना प्लेस को यहाँ पे ठीक कर देते हैं और अपना सीट को भी दोबारा से प्लांट कर देते हैं और भाई होपफुली इस बार कोई क्रीपर ना आए क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं। एंड फिर हमें पता चल गया था कि कहाँ से ये मॉब स्पॉन हो रहे थे। देखो हमने जो सीढ़ी बनाई है उसमें बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे और इजिली आ जा रहे थे, तो पहले तो हमने उस सीढ़ी को ब्लॉक किया और सारे मॉब्स को भी मार दिया। और अपने पास यहाँ पे अभी कोल की थोड़ी कमी है तो टॉर्चेस तो नहीं लगा सकते बट बाद में हम लोग माइनिंग करने जाएंगे और टॉर्चेस भी लगा देंगे। एंड देन फाइनली अपना ट्री भी यहाँ पे बड़ा हो चुका था तो जल्दी से जल्दी उसको हमने माइन कर लिया एंड सारे सैपलिंग को भी प्लेस कर दिया क्योंकि भाई अपने पास यहाँ पे वुड की काफी कमी है। एंड हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शील्ड भी बना लिए और दोबारा से अपना वर्ल्ड यहाँ पे एक्सपैंड हो चुका था और यहाँ पे काफी सारे वुड, बहुत सारा लैंड और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी आ चुके थे।
और पहले तो हमने यहाँ पे बहुत सारे वुड काटे क्योंकि भाई वुड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अपने पास यहाँ पे है ही नहीं, मतलब अब से होंगे अपने पास काफी सारे वुड। फिर हमने एक चेस्ट बनाया क्योंकि अपने पास यहाँ पे काफी सारे सामान थे फालतू के, एंड सारे सामान को उस चेस्ट में रख दिया। और उसी बीच अपना सारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, तो जल्दी से हमने अपने लिए आयरन के टूल्स भी बना लिए और एक आयरन का बूट भी बना लिया, और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा आर्मर भी बन ही जाएगा कभी। और जब तक भाई यहाँ पे एनिमल्स का फार्म बना रहा था, तब तक मैं चला गया 100 IQ ब्रेन यूज करने और एक ट्रिक से माइनिंग करने के लिए। और इस ट्रिक में आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है प्लेटफॉर्म के और एक बार देख लेना पड़ता है कि चंक के कहाँ कहाँ ओर रखे हुए हैं, और वहाँ पे जाके इजिली माइन करना पड़ता है। मानते हो ना आपका भाई कितना प्रो है भाई, इसी बात पे चलो जल्दी से एक लाइक कर दो। किसने कहा भाई डिसलाइक करने, अगर पसंद नहीं आया भाई ऐसा मत करना, डिसलाइक तो मत करना यार। फिर ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़े बहुत एप्पल्स रखे हुए थे चेस्ट में, शायद भाई ने रखा था, बट उसके सामने ही मैंने सारे एप्पल्स खा लिए और अपना हंगर बार भी बढ़ा लिया। बाद में वो मुझे जो मारेगा भाई मुझे ही पता है। और उसके बाद मैं भी चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत चिकन्स लाने के लिए, और यहाँ पे काफी सारे मुझे ग्रास दिख रहे थे जिसको मैंने तोड़ा और मुझे एक सीड मिल गया, और मैं चला गया चिकन को ल्योर करने के लिए। और इस चिकन के साथ ही अपने पास सारे बेसिक एनिमल्स थे यहाँ पे कैटल करने के लिए, और अपने पास यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड भी होने वाला था, मतलब अभी नहीं है लेकिन जल्दी ही होने वाला है। फिर हमने यहाँ पे एक बकेट बनाया और मुझे चंक के जस्ट कॉर्नर में एक वाटर का सोर्स दिखा था, तो मैं चला गया उसको कलेक्ट करने के लिए क्योंकि अभी तक हमें वाटर ही नहीं मिला। फिर हम चले गए डायरेक्ट उसी जगह पे, यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर लिया। और ऊपर आते वक्त मेरे साथ एक सीन हो गया। क्या हुआ कि मैं यहाँ पे घर वापस जा ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने एक जॉम्बी दिख जाता है, और ये जॉम्बी ऐसा वैसा जॉम्बी नहीं है भाई, पूरा खतरनाक सा है क्योंकि इसने मेरा हार्ट को आधा कर दिया। इसका एक हिट और लगता ना और ये पूरा वर्ल्ड खत्म था, लेकिन चलो अब बच गए तो बच गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल मिले थे जिससे मैंने क्रॉप को ग्रो कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे और एक शीप लाया। फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस भी लगा दिए क्योंकि अपना एरिया में काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहा था, और बाकी सारे मॉब्स तो ठीक है लेकिन यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन हो रहा था जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था भाई। ये स्केलेटन और एंडरमैन काफी ज्यादा डेंजरस मॉब्स होते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। तो सारे जगह को अब लाइट अप करने के बाद हमने यहाँ पे फीड करवा दिया अपने काउस को, और होपफुली अब कोई मॉब स्पॉन नहीं होगा। फिर मैं चला जाता हूँ दोबारा माइनिंग करने के लिए, और केव के अंदर जो हुआ मेरे साथ वो भाई मैं पक्का याद रखूंगा क्योंकि एक एंडरमैन और एक स्केलेटन एक साथ मिल गए। मतलब अभी मैंने कहा कि स्केलेटन और एंडरमैन काफी ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, और ये तो इस बात का बुरा ही मान गए, लेकिन अपुन भी प्रो है भाई। मैंने स्केलेटन को इजिली मार दिया और एंडर ड्रैगन से लड़ाई नहीं, और क्रीपर भी एक आया था बिन बुलाया मेहमान, उसको भी मैंने इजिली मार दिया। फिर शीप्स की भाई ने ब्रीडिंग करवा दी थी और अपने पास 3 शीप थे, तो मैं चला गया इनको शेयर करने के लिए, और शेयर करके भी मुझे बस 5 ही वूल मिले। मतलब भाई एक और दे देता क्या जाता तेरा। तो उसके बाद मैं जस्ट ऐसे ही शीप के वूल को ग्रो होने के लिए वेट कर रहा था, तभी मुझे एक यहाँ पे ट्रेडर दिख गया, एंड मैं जल्दी से गया इसकी ट्रेड चेक करने के लिए, और इसका ट्रेड में था अकेशिया का वुड जो कि हमें बाद में काम आ सकता है। तो भाई ये ट्रेडर का तो मुझे जरूरत था, बट इसके लामास का जरूरत नहीं था, तो मैंने इसको मार दिया। मतलब ट्रेडर को कहाँ ही पता चलता है ना, नहीं पता चलेगा शायद। एंड उसके बाद मैंने इस ट्रेडर को बोट पे बैठा दिया, मतलब यार पहले तो मैंने इसके लामास को मार दिया और उसके बाद इसको कैप्चर भी कर दिया, बेचारा ट्रेडर। तो फाइनली अपने पास यहाँ पे वुल हो चुका था जिससे मैंने जल्दी से 2 बेड बना लिया, और अब हम लोग सो सकते हैं। यार फैंटम ने मार मार के दिमाग खराब कर दिया। तो कम से कम 10-20 दिनों के बाद फाइनली सोने के बाद मेरे पास काफी ज्यादा एनर्जी था, और अब मैं काम करने वाला था एक बड़ा सा वीट फार्म के ऊपर। और ये तो जस्ट एक झलक है, फ्यूचर में जो मैं वीट फार्म बनाने वाला हूँ ना, ये तो इसका 10% भी नहीं है। पर अभी के लिए तो अपने पास उतने सारे सीड्स नहीं है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर मैं चला गया अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे मुझे शुगर केन दिख गया जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया, और थोड़े बहुत सैंड भी ले लिए। और रास्ते में मुझे थोड़े बहुत एनिमल्स दिख गए, और एनिमल्स दिखने पे ही मेरे हाथ बहुत खुजलाता है, तो मैंने उनको मार दिया। फिर मैं चला गया थोड़े बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और मुझे दिखा एक पिरामिड, पर इस पिरामिड में अभी तक लूट जनरेट नहीं हुआ था, मतलब हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, और एक बार अगर वर्ल्ड इंक्रीज हो गया तो हमें लूट मिल जाएगा। तो अभी करने के लिए तो अपने पास कुछ था नहीं, तो मैं चला गया दोबारा माइनिंग करने के लिए, और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आयरन मिल गए, तो जल्दी से मैंने उसको कलेक्ट कर लिया, और आयरन के साथ ही साथ मुझे और थोड़े बहुत मस्त मस्त चीज़ें मिल गए। तो मैं अपना पुराना वाला ट्रिक आजमा रहा था, और उसी बीच मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड भी मिल गए जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। सो वी आर बैक होम, और अपने पास है ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक ऑफ आयरन और 21 डायमंड्स। तो आयरन को तो मैंने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, और जो डायमंड्स थे उसका मैंने डायमंड पिकैक्स एंड टूल्स बना लिए। मतलब पहले मैंने सोचा था कि अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बना लूँ जो कि प्रोटेक्शन देगा, बट उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अभी तो हमें टूल्स की ज़रूरत है। फिर मैंने भाई को भी टूल्स दे दिया, और अब अपने पास थे फुल डायमंड के टूल्स, बट आर्मर नहीं था, तो वो भी हम लोग बाद में धीरे धीरे कर लेंगे। फिर हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे वीट को हार्वेस्ट कर लिया, और उसके बाद हमने अपने एनिमल्स को भी ब्रीड करवा दिया।
और भाई अभी तो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलेगा कि हम इनको ब्रीड क्यों करवाते हैं। और जब मैं यहाँ पे चेस्ट में सामान रखने जा रहा था तो मुझे भाई यहाँ पे एक स्प्रूस फॉरेस्ट दिख गया, और मैंने इस स्प्रूस फॉरेस्ट को पहले ध्यान ही नहीं दिया था। तो फिर मैं जल्दी से गया और सारे यहाँ पे स्प्रूस ट्री को कट कर दिया और नए ट्रीज भी लगा दिए, और अपने पास थे यहाँ पे काफ़ी सारे स्प्रूस के वुड। तो हमें यहाँ पे बस एक काम करना था, अपने को यहाँ पे एरिया क्लीन करना था और उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर बना सकते हैं। पर उससे पहले हमने देखा कि अपना सारा आयरन जो है यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका है, तो जल्दी से हमने सारा आयरन को कलेक्ट कर लिया एंड पूरा आयरन का आर्मर बना लिया। तो अपना पूरा आयरन का आर्मर भी यहाँ पे आ चुका था और हमने यहाँ पे एरिया को भी क्लीन कर दिया, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट था तो इसको स्किप कर दिया। तो आप देख सकते हो अपने पीछे के एरिया में जितने सारे ट्रीज थे उसको हमने चॉप डाउन कर दिया और टॉर्चेस भी लगा दिए, जैसे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो पाए। और फाइनली अब हम लोग यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, पर उससे पहले हमें यहाँ पे वंडरिंग ट्रेडर के साथ ट्रेड करना था। तो हम चले गए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बट हमें यहाँ पे वंडरिंग ट्रेडर दिखा ही नहीं। मतलब वहाँ पे था एक चिकन, लगता है कि वंडरिंग ट्रेडर के पास शक्ति है भाई चिकन में कन्वर्ट होने के लिए। पर यार अभी तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने अब उसको मार दिया। तो मैं चला गया डायरेक्टली अपना बड़ा सा फार्म बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको कहा था, और ये फार्म काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो अगर इस फार्म को हम लोग पूरा हार्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 20 दिनों के लिए अपने को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना फार्म बन के कम्प्लीट था और मैं जा रहा था यहाँ पे थोड़े बहुत घूमने के लिए और बाकी सब काम करने के लिए, तभी मुझे एक दिख गया एंडरमैन जो कि ग्रास ब्लॉक पकड़ा हुआ था। तो जल्दी से मैंने उसको मार दिया और सच में यार उसको मारते मारते मेरी हवा निकल गई। वो तो अच्छा हुआ भाई कि ये मेन टाइम पे मर गया, एक हिट और देता ना तो मेरा वर्ल्ड खत्म हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं यार, ऐसा होते रहता है। फिर अपने पास यहाँ पे शुगर केन थे जिसको मैंने ला के चेस्ट में रख दिया था, बट अब अपने पास टाइम आ चुका है इसको प्लेस करने का, तो इसको प्लेस भी हमने कर दिया और फ्यूचर में भी ये हमें काम में आने वाले, क्योंकि यार हम लोग बाद में एंचैंटमेंट टेबल बनाने वाले हैं। फिर एनिमल्स का पोजीशन को भाई ने चेंज कर दिया और उसके बाद मैंने उनको ब्रीड भी करवा दिया, और उसके बाद हम लोग बनाने वाले थे एक बड़ा शुगर केन फार्म, क्योंकि हमें एंजॉयमेंट टेबल जल्दी से जल्दी चाहिए था। तो फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा शुगर केन फार्म बना दिया और सारे शुगर केन को भी प्लेस कर दिया, एंड उसके बाद हम लोग चले गए पिरामिड को लूटने के लिए। और अब अपना पिरामिड फुल्ली यहाँ पे आ चुका था और इसके लूट्स भी आ चुके थे, तो भाई तो चला गया डायरेक्टली मेन रूम के तरफ, और भाई देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपैंड हो चुका अपना वर्ल्ड। तो मैं चला गया पिरामिड के डायरेक्ट अंदर, और भाई हम बस यहाँ पे प्रे कर रहे थे कि पिरामिड में कुछ अच्छी लूट और हम लोग को कुछ अच्छा चीज़ मिले। सो उसके बाद डायरेक्टली नीचे जाने के बाद मैंने प्रेशर प्लेट को यहाँ से हटाया, थोड़े बहुत TNT कलेक्ट किए, और पहला ही चेस्ट में यहाँ पे गोल्डन इंचांटेड एप्पल और 3 डायमंड्स थे, और ऐसे ही करके बाकी चेस्ट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे सामान थे। और भाई क्या बताऊँ, इससे अच्छी लूट क्या ही हो सकती है एक डेजर्ट पिरामिड में। तो वापस आने के बाद अब अपना प्लान था घर बनाने का, जिसका ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अपना घर बनके यहाँ पे रेडी था, और चलो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखो भाई फ्रंट में आपको घर ऐसा दिखता है, और ये पूरा घर हमने खुद से बनाया है, और देखो पीछे से घर ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है। बस यहाँ पे एक डर है कि यहाँ पे लावा पूल है ना, तो घर चल ना जाए। अंदर में देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट है और सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, और यहाँ पे वुडन में भी यहाँ पे फ्लोरिंग करके रखा है हमने, अच्छे से क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दिया, और ऊपर में भी एक रूम है जहाँ पे हम लोग का बेडरूम है, और बेडरूम के दोनों ही साइड 2 बैल्कनीज है जहाँ से हम लोग अपना एरिया को अच्छे से देख सकते हैं, और कोई मॉब आ रहा है कि नहीं वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो घर कंप्लीट होने के बाद हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनिंग करने का, क्योंकि अब अपने को फाइनली डायमंड आर्मर चाहिए और उसको इंजैंड भी करना है जल्दी से जल्दी। तो मैं चला गया अपना फिर से ट्रिक को आजमाने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे डायमंड मिल गए जिसको मैंने जल्दी से माइन कर लिया। सो वी आर बैक होम, और अपने पास है 29 डायमंड जो कि काफ़ी नहीं है पूरा आर्मर बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ पार्ट्स बनाने के लिए ठीक है। और एक सीक्रेट बताऊं, अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड और रखे हुए, लेकिन उनको माइन करना बाकी है। हाँ मतलब आपको ये पता था? चलो भाई पता था तो बहुत बढ़िया। सो भाई देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, ऑसम लग रहा है ना दिखने में। तो फिर मैंने भाई को पूछा कि क्या हम लोग रेडी हैं नेदर जाने के लिए, और उसने कहा हाँ। तो हम चले गए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए, एंड यहाँ पे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये टिपिकल सा अपना पुराना नेदर पोर्टल होने वाला है, बट ये और ज़्यादा ऑसम होने वाला है। तो अपने यहाँ पे नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है, और भाई बताओ ये ऑसम है ना, उससे ज़्यादा ऑसम है ना भाई, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है।
देन हमने एक गोल्डन पेयर ऑफ बूट्स बनाया और चले गए हम लोग नेदर में। और स्पॉन अपना बहुत ज़्यादा बेकार था, बैसल्ट वैली के बीचों बीच दिया था, नीचे इतने सारे गड्ढे थे और काफ़ी सारे मैग्मा क्यूब्स थे। पर इस कंकड़ के बीच हमें एक सोना दिख गया भाई। बैसल्ट वैली के जस्ट सामने अपना यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस था, और मतलब ये पोर्टल से 10 ब्लॉक के दूर भी नहीं है। तो जल्दी से हम लोग चले गए इसको लूट करने के लिए। और भाई जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था यार, क्योंकि यहाँ पे पूरे जगह लावाज है ना, और नीचे हम लोग गिरते हैं ना तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। तो फाइनली फोर्ट्रेस पहुँचने के बाद मैंने पूरा फोर्ट्रेस को लाइट अप कर दिया, और एक विदर स्केलेटन आ गया था मेरे मुँह के जस्ट सामने, और भाई मुझे डरा दिया था, लेकिन फाइनली उसको मार दिया। और उसके बाद मुझे एक ब्लेज भी दिख गया था, और उसके भी साथ मैंने फाइट लिया और उसको भी इजिली मार दिया। एंड विदर स्केलेटन ने तो यहाँ पे अपना हेड को ड्रॉप नहीं किया, बट ब्लेज ने यहाँ पे ब्लेज रॉड ड्रॉप कर दिया। तो भाई ये तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग ब्लेज रॉड के लिए आए थे। पर सामने हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड दिख गया, तो गोल्ड भी कलेक्ट कर लिया। एंड उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे थोड़े बहुत क्वार्ट्ज भी कलेक्ट कर लिए। फिर हम अपने घर वापस चले गए और जल्दी से एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे विलेजर क्योर करना था। सो जल्दी से मैंने ब्रूइंग स्टैंड को प्लेस कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ब्लेज पाउडर भी प्लेस कर दिया, और चला गया एनिमल्स को फीड करने के लिए। एंड भाई हमने सोचा कि अगर हमें विलेजर चाहिए तो वो जॉम्बी विलेजर हमें कहाँ से मिल सकता है, और सबसे बेस्ट यहाँ पे रास्ता है एक एक्सपी फार्म। तो हमने जल्दी से एक एक्सपी फार्म बना लिया, वो काफ़ी जल्दी बन गया यार ये एक्सपी फार्म तो। और इस एक्सपी फार्म में फाइनली काफ़ी सारे मॉब्स भी स्पॉन हो रहे थे, इसका मतलब कि जॉम्बी विलेजर भी जल्दी आ जाएगा। और फिर मैं चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत चेक करने के लिए एनिमल्स को। तब तक भाई इसको फीड करवा रहा था, तो मैंने भी इसको दोबारा से फीड करवा दिया और सारे एनिमल्स को मार दिया, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी और अपने को लेदर भी चाहिए था। अब शायद ये एनिमल समझ गए होंगे कि इनको हम लोग फीड क्यों करवाते थे। फिर अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे शुगर केन भी हो चुके थे, जिससे हमने जल्दी से काफ़ी सारे पेपर बना लिए और एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लिया। एंड तब तक भाई यहाँ पे बाहर में एक एन्चेंटमेंट रूम बना रहा था, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बुकशेल्फ प्लेस कर दिए और अपना एन्चेंटमेंट टेबल भी प्लेस कर दिया। एंड फाइनली अपने एन्चेंटमेंट रूम यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, मतलब ऑसम सा एक लुक है। और भाई चलो पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, तो पीछे में यहाँ पे ट्रैपडोर लगे हुए और यहाँ पे लॉक्स भी लगे हुए, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। एंड भाई आप कमेंट डाउन करके बताना कि आपको ये रूम कैसा लगा। सो मेरे पास यहाँ पे 33 लेवल थे, तो जिससे मैंने दो पिकैक्स जल्दी से जल्दी इंचैंट कर लिए। पहले में तो एफिशिएंसी 3 और अनब्रेकिंग मिला, और दूसरे में भी एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग मिला। मतलब मुझे चाहिए था यहाँ पे फॉर्च्यून, क्योंकि हम जा रहे थे डायमंड माइनिंग करने के लिए, लेकिन यार कोई नहीं, अभी बाद में कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे फाइनली एक जॉम्बी विलेजर मिल गया, और अब हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास सारे सामान इसको क्योर करने के लिए। तो जल्दी से इसको हमने एक बोर्ड पे बैठाया और चले गए पोशन बनाने के लिए। तो अपने पास यहाँ पे फर्मेंटेड स्पाइडर आया था, अपने पास गन पाउडर था, और बाकी सब कुछ था, जिससे मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ पे पोशंस बना लिए। एंड देन मैं चला गया जॉम्बी विलेजर के पास, और अभी के लिए तो अपने पास एक ही जॉम्बी विलेजर है। मतलब यार हमने थोड़ा ट्राई किया कि एक ही साथ दोनों को क्योर करते हैं, पर कोई आ ही नहीं रहा, तो चलो अभी के लिए इसको ही क्योर कर देते हैं। कम से कम एक फायदा तो होगा कि अभी हम लोग इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, एमरल्ड एंड लेवल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली अपना जॉम्बी विलेजर यहाँ पे क्योर हो चुका था, और इसके बाद इसके लिए मैंने एक छोटा सा घर मतलब कैद खाना बना दिया था, जहाँ पे इसको रख दिया। एंड इसको एक फ्लेचर बना दिया, और इसके साथ हमने काफ़ी सारे ट्रेडिंग भी कर दिए। वैसे अभी तो हमें एमरल्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, बट अभी ज़रूरत था मुझे काफ़ी सारा लेवल्स का, क्योंकि मुझे चाहिए फॉर्च्यून, और इसके साथ इंचैंटमेंट करके मुझे काफ़ी सारे लेवल्स मिल सकते हैं। अरे हाँ भाई, सॉरी, ट्रेडिंग करके तो मैंने अपने पिकैक्स को ग्राइंड कर दिया। एंड उसके बाद मुझे फॉर्च्यून 3 मिल रहा था इंचैंटमेंट में, जिसको मैंने जल्द से इंचैंट किए, और भाई बहुत ज़्यादा ओपी पिकैक्स मिल गया मुझे। फिर मैं चला गया दोबारा काफ़ी सारे डायमंड माइन करने के लिए, और इस बार तो मेरे पास बहुत सारे डायमंड हो चुके थे, क्योंकि भाई मेरे पास था फॉर्च्यून। और डायमंड माइनिंग करते करते मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स भी हो चुके थे, और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ मिल गया, जो कि था स्ट्रॉन्ग होल्ड। और फिलहाल तो हम लोग इसमें जाने नहीं वाले, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा रेडी नहीं है, लेकिन एक बार तो हमें यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। बट यार अभी के लिए तो आप हमारे डायमंड्स देखो कितने सारे, एक स्टैक है 19, जिससे हमने जल्दी से जल्दी पूरा डायमंड का आर्मर को कंप्लीट कर दिया। फिर अगेन सुबह को अपना एरिया एक्सपैंड हो चुका था, और हम चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, और हमें काफ़ी बड़ा रुइन पोर्टल मिल गया। तो इतना बड़ा पोर्टल देखने के बाद हम तो सोच रहे थे पैसा ही पैसा होगा, बट असल में यहाँ पे बहुत ही खराब लूट थे, और बस दो ही गोल्ड के ब्लॉक थे। वैसे लूट से तो मैंने यहाँ पे कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, बट गोल्ड के ब्लॉक जो थे उसको मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड फाइनली दोबारा 30 लेवल हो चुके थे, जिससे मैंने अपना पिकैक्स को इंचेंट किया, और भाई फॉर्च्यून 3, अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 4 मिल गया। तो मैंने भाई को दो पुराने पिकैक्स दिए और उसको बोला कंबाइन करने के लिए, और भाई देखो अब मेरे पास है एफिशिएंसी 5 का पिकैक्स। तो धीरे धीरे तो हम लोग पावरफुल बन रहे थे।
तो इसी बीच भाई को यहाँ पे और एक जॉम्बी विलेजर मिल गया और जल्दी से मैंने इसको क्योर कर दिया और अब टाइम था अपने लिए यहाँ पे एक विलेज बनाने का और इस विलेजर को रखने का। तो फाइनली हमने विलेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अपना पूरा विलेज बनके यहाँ पे रेडी हो चुका था और भाई देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। मतलब देखो पूरा हमने फेंसेस से घेरा कर दिया जैसे कि कोई भी जॉम्बी अंदर ना आ पाए। और यहाँ पे चार अपने घर हैं जिसमें बहुत सारे बेड लगे हुए हैं और ये वाला घर देखो भाई ने क्या मस्त बनाया डिज़ाइन इसका। और अंदर जाके देखोगे ना तो फ्लोरिंग डिज़ाइन और भी ज़्यादा खतरनाक है। और साइड में भी अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे घर है और फार्म भी है और रिवर भी है। मतलब यार इन टोटल ये बहुत ज़्यादा ऑसम विलेज है। तो फिर हमने सुबह को क्लरिक के साथ ट्रेड कर लिया और यहाँ पे काफ़ी सारे एंडर पल भी कलेक्ट कर लिए जिसको हमने आई ऑफ एंडर बना लिया। और अब हम लोग जा सकते हैं अपने एंड पोर्टल में। सो हमने सारे चीज़ें एक बार चेक कर ली जैसे कि बहुत सारे एरोज ले लिए, यहाँ पे सारे गोल्डन एप्पल ले लिए और पूरा डायमंड आर्मर को भी जाने से पहले एक बार इंचेंट कर लिया लो लेवल से क्योंकि अपने पास काफ़ी सारे लेवल्स नहीं थे। फिर हम चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड में और उसको हम लोग लूटने लगे और वहाँ से मुझे एक चेस्ट मिला बट यहाँ पे काफ़ी बेकार इंचेंटमेंट थी और लूट था। और फिर मुझे आगे एक अपना पोर्टल मिल गया तो हमने इस पोर्टल का स्पॉनर को जल्दी से तोड़ दिया क्योंकि यार सिल्वर फिश बहुत ज़्यादा अनॉय करती है। और पूरा यहाँ पे आई ऑफ एंडर लगा दिया तो फाइनली अपना पोर्टल हो चुका था एक्टिवेट और हम लोग चले गए एंड के अंदर। और भाई एंड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था क्योंकि अपने पास काफ़ी अच्छी इंचाइमेंट नहीं थे बट फिर भी हम लोग एंडर ड्रैगन को ईजिली डिफीट कर लेंगे। तो हमने जल्दी से यहाँ पे सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर दिया और भाई एक क्रिस्टल को फोड़ने के टाइम तो मैं ही फूट गया था। एंड फिर डायरेक्टली एंडर ड्रैगन को हमने डिफीट कर दिया और सारे लेवल्स भाई को मिल गए थे क्योंकि मैं यहाँ पे बेडरॉक के ऊपर खड़ा था और एंडर ड्रैगन मरने के बाद पोर्टल एक्टिवेट हो गया। एंड देन मैं चला आया ओवरवर्ल्ड में और लेवल्स मुझे मिले नहीं लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बाद में इंचैंट कर लेंगे। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने कुछ करने के लिए जैसे कि हमें विदर मारना है, काफ़ी सारे इंचैंटमेंट करने हैं और बैशन भी लूटना है। सो ये सब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।